फ्रेंड्स, रोजाना 10 टिप्स भी अगर आप करते हैं तो इससे आपको क्या फायदे मिलते हैं, यही आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप सभी ने कभी ना कभी लोगों को डिप्स एक्सरसाइज करते हुए देखा होगा और शायद आपने भी डिप्स एक्सरसाइज को कभी ना कभी किया होगा। पर फ्रेंड्स, शायद ही आप इस एक्सरसाइज के सभी फायदों को जानते होंगे। और इस एक्सरसाइज की पॉपुलैरिटी बॉडी बिल्डिंग में इसीलिए इतनी ज्यादा है क्योंकि ये आपकी बॉडी को मल्टीपल वेज में फायदे पहुंचाती है। ये आपके चेस्ट मसल्स, शोल्डर मसल्स और ट्राइसेप्स के लिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज मानी जाती है और इन तीनों मसल पार्ट को काफी तेजी से गेन करने में आपकी मदद करती है, लेकिन इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अब हम जानेंगे कि रोजाना सिर्फ 10 डिप्स करने पे आपको क्या फायदे मिलते हैं। पर पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें ऐसी ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए। तो अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज से होने वाले फायदों के बारे में। तो डिप्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का सबसे बड़ा फायदा ये देखा जाता है कि इसमें आपके पेक्टोरल मसल्स शामिल होते हैं और इसी के साथ में इसमें आपकी चेस्ट के वो मसल पार्ट ट्रेन होते हैं जिन्हें आप चेस्ट की दूसरी एक्सरसाइजेस करके अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाते। तो आपकी चेस्ट को और अच्छे शेप में लाने के लिए इसे करना काफी फायदेमंद होता है और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपके ब्रेन और आपके मसल्स के बीच की कनेक्टिविटी काफी मजबूत बन जाती है क्योंकि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपके ओवरऑल बॉडी के मसल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं और ये आपकी बॉडी में मसल्स को तेजी से बनाने की प्रोसेस को भी काफी तेज कर देती है जिससे आपकी बॉडी में ताकत पहले के मुकाबले काफी बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं कि डिप्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपके कौन कौन से मसल्स ट्रेन होते हैं यानी कि तेजी से बनते हैं। तो डिप्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से सबसे ज्यादा जो ट्रेन होते हैं वो आपके पेक्टोरल मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, ट्रेपीजियस मसल्स और आपके शोल्डर मसल्स इसे करने पर ट्रेन होते हैं और मस्कुलर बनते हैं। और इसे करते हुए अगर आप अपने बॉडी पोस्चर को ठीक तरीके से एकदम स्ट्रेट रखकर इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तब आपके एब्स मसल्स और अपर बैक भी काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं। डिप्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करके जो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो आपको दूसरी चेस्ट एक्सरसाइजेज या बैक वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म करके नहीं मिल पाते क्योंकि इंक्लाइन बेंच पर अगर आप बेंच प्रेस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तब भी आपके केवल पेक्टोरल मसल्स और शोल्डर मसल्स इसमें इंगेज हो पाते हैं। बेंच प्रेस जैसी एक्सरसाइज में आपके ट्राइसेप, एब्स और अपर बैक मसल्स ट्रेन नहीं हो पाते। डिप्स एक्सरसाइज में आप अपने शरीर को थोड़ा आगे की ओर झुकाकर इससे काफी अच्छे रिजल्ट्स अपनी बॉडी में ला सकते हैं, जैसे कि इससे आपकी लोअर चेस्ट, शोल्डर मसल्स, आर्म्स, बैक मसल्स और शरीर की और बड़ी मसल्स इससे अच्छे से ट्रेन हो पाती हैं। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसमें सबसे पहले आप दो पाइप को पकड़कर अपने हाथों के वजन से सीधे ऊपर हो जाइए और अपनी बॉडी को 15 से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे की ओर आपको जाना है और अपने पैरों को मोड़ लेना है और नीचे जाते हुए आपको जमीन से अपने पैरों को बिल्कुल टच नहीं करना है और जमीन से थोड़ी ऊपर से ही आपको वापस ऊपर आ जाना है। और फ्रेंड्स, ध्यान इसमें आपको ये रखना है कि आपको ना केवल अपने शोल्डर पर सारा बॉडी वेट महसूस करना है बल्कि आपको इसे करते हुए अपनी बैक मसल्स, चेस्ट मसल्स और अपने कोर मसल्स को भी टाइट रखना है। इससे आपके शरीर का सारा वजन आपके शोल्डर पर महसूस नहीं होगा। और अगर हाथों की बात करें तब शोल्डर से लेकर हथेलियों तक के पार्ट को एकदम सीधा आपको रखना है और कोहनियों को थोड़ा सा बाहर की ओर झुकाकर आपको इसमें रखना होता है और चेस्ट को आगे की ओर एकदम खुला हुआ रखना होता है। और इस एक्सरसाइज में जब आप नीचे की ओर जाते हैं तब आपको अपनी चेस्ट को आगे की ओर करते हुए जाना है और नीचे पैरों से लेकर हिप्स वाले एरिया तक को पीछे की ओर लेकर जाना होता है, यानी आपको 15 से 30 डिग्री का एक कोण बना लेना होता है। और नीचे आते हुए आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि आपके जो शोल्डर हैं वो सिर्फ आपकी कोहनी तक आने चाहिए और फिर वहीं से ही आपको दोबारा ऊपर उठ जाना है। इस एक्सरसाइज को आपको एकदम धीरे धीरे से परफॉर्म करना होता है और अगर इसे आप धीमी रफ्तार से परफॉर्म नहीं कर सकते तो आप इसमें ग्रेविटी मशीन या काउंटर वेट के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सी गलतियां जो अक्सर लोग इस वर्कआउट को करते हुए करते हैं वो ये है कि काफी लोग जब इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं तो अपने हाथों को अपनी पसलियों से एकदम टाइट कर मिला लेते हैं जिससे सारा वेट उनकी कोहनियों पर आ जाता है। इस तरीके की गलती करने से आपको इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी गलती जो लोग करते हैं वो अपनी कोहनियों को ऊपर आते हुए पीछे की ओर ना करते हुए साइड की ओर झुकाते हैं, बल्कि इसको परफॉर्म करते हुए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कोहनी आपकी जितनी ज्यादा आपकी बॉडी के पास हो उतना ज्यादा बेहतर होता है, यानी कि आपकी पसलियों के पास। फ्रेंड्स, डिप्स एक्सरसाइज अगर आपने अभी शुरू की है तब आप इसको इस तरीके से भी परफॉर्म कर सकते हैं कि इसमें आप जब ऊपर की ओर अपने वेट को लेकर जाएं तब कुछ सेकंड वहीं पर आप रुक सकते हैं और नीचे आने के बाद कुछ सेकंड नीचे की ओर आप रुक सकते हैं। इस तरीके से आपकी बॉडी पर उतना ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगा जितना कि लगातार डिप्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पड़ता है। और इस एक्सरसाइज के अगर आप एक सेट से ज्यादा ले रहे हैं तो हर सेट के बाद आपको 30 सेकंड से 1 मिनट का रेस्ट भी जरूर लेना है। फ्रेंड्स, होपफुली आपको डिप्स एक्सरसाइज को करने का सही तरीका पता चल गया होगा और इसके फायदे भी आपको अच्छे से पता चल गए होंगे। ऐसी ही फिटनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।